بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> قل إنه كان عدوًا الله ونبي نزله على قبر رسول الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه إنه بشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل والمكان فإن الله عدو للكافرين ولقد <applause> أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ما عاد فريق منهم بل أكثر لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله وصدق كل ما معهم نفذ فريق من الذين من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء صدورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا إن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له لم في الآخرة منه الخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم रबिश सदरी व यसरली अमरी वाहलदतमिलसानी यऊ कौली ये जो आज हमने आयात जिन तिलावत हमने सुनने का शरफ़ हासिल किया है ये वही यहूद को ख़िताब और उन्हीं के करतूतों को बयान पिछले कई रुकू में चला आ रहा है तो ये वही अभी जारी है अब उनकी एक और बल्कि दो और ख़ास बातें यहाँ पे फिर बयान में इस रुकू में ये शुरू यहाँ से होते हैं शैतरम बसमीम के कुल मनकाना अदउल जबरीला फ़िनदल कलब कब्ल कुल फरमा दीजिए कि मन काना मन जो कोई कौन जो कोई काना काना यकून होना जो कोई हो अदबल जबरील अदब अदब उर्दू में भी इस्तेमाल होते है अदावत उर्दू में कामनली इस्तेमाल होता है अदब दुश्मन को कहते हैं उर्दू में कामनली इस्तेमाल होता है अदू बोल देते हैं उर्दू <ख्धध> में ये अरबी लफ्त अदन है तो ले जबरील जबरील के लिए तो तुम कुल मनकाना अदबल जबरीलूर स फरमाया जा रहा है कि आप कह दीजिए कि जो कोई जबरील का दुश्मन होगा ये जबरील का दुश्मन कैसे हो गया जबरील तो एक फ़रिश्ता है लेकिन हुआ यही है कि ये यहूद ने जबरील को अपना दुश्मन गर्दाना उस दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आलम आलम उलमा जो उनके थे उनमें से अब्दुल्ला बिन सूर्या के नाम से एक आलम है एक तो ये रवायत है वो आए थे और दूर सही वलम की तलीमत जहरि ज जा। उदा के पास आते थे तो उस वक्त आते थे पूछते थे कि क्या बात कर रहे हैं आप तो दूर सही सल्म ने अपनी तालीमत कुरान की तालीम बताई उनको तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हें बताता कौन है कौन फरिश्ता आते हैं उन्होंने कहा कि जबरील नाम का फरिश्ता मुझे ना है तो उसने कहा ये फरिश्ता तो हमारा दुश्मन है उसने इस इस रवायत में यूँ है कि उस अब्दुल्ला बिन सोर, सूर्या स्वाद है सूर्या सवरिया ये सूर्या है। उन्होंने ये कहा कि ये इस फरिश्ते ने बैतुलमुद्दस के तबाह की बात की थी और फिर बैतलमक़दस तबाह हुई थी पहले की पहले की बात और दूसरी रवायत यूँ है कि हदरत उमर रजी अल्लाह तनो जब वहाँ पे वहाँ पे यहूद के साथ मिलते जुलते तो थे उनके तो उनके पास गए तो बहुत तो वहाँ जब बातें हुई तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये जबरील जो तो उन पूछा कि जबरील उधर आता है उन्होंने कहा ये तो जबरील हमारा दुश्मन है वो दुश्मन इसलिए है कि आगे ये बयान हो रहा है आगे उसी को अल्लाह पाक उसको नेगेट कर रहे हैं असल दुश्मनी उनको ये थी कि ये उनकी जो बुलंदी पहले भी हमने ज़िक्र किया है कि उनका ख्याल था कि ये नबी हम में से आएगा पहचान तो लिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने लेकिन यारिफुनऊ कमा यारिफुना बनाओ हम ऐसे पहचानते थे पहचान तो लिया था उनकी अपनी तौरात और जबूर की निशानियों के मुताबिक वो मान तो गए थे लेकिन उनको इतनी बड़ी ज़िद्द पैदा हुई कि वह इसको दुश्मन समझते थे कहीं और पे भी रवायत था कि दूसरे फरिश्ते का भी नाम आगे आ रहा है मेकाइल मिकाइल का भी खसूसी तौर पर जिक्र है इसी में मिकाइल को ये अपना दोस्त मानते थे और जबरील को दुश्मन मानते थे मिकाइल जिसका शायद बारिश के निज़ाम पर उनका शायद इंतज़ाम है या रोजी पहुँचाने का इंतज़ाम है तो उसको ये दोस्त मानते थे और जबरील को दुश्मन मानते थे कि जबरील ने ये दुश्मनी की है अब ये हमाकत ये कैसे हो सकती है ये हमाकत तो मुसलमानों में भी मौजूद है सौ काल मुसलमानों हमारे रवाफिस का एक फ़िरका ऐसा मौजूद है कि जो ये कहता है कि जबरील अरसाम अली के पास जाने के बजाय मोहम्मद के पास आ गए थे थोड़े लोग हैं वो शिया वाले ऐसे लोग भी हैं कि जो कहते हैं कि जिद में ज़िद ये ज़िद है ना रवाफिस की भी ये ज़िद है ना जिन्होंने ये अकीदा गढ़ लिया है कि उसके बाद तो उस जिद में ये यहूदी दुश्मन हुए थे अजहर जबरील के तो उसको तो जबरील को अपना दुश्मन गर्दान देते तो उसका जिक्र आ रहा है कि कुल मनकाना अदबल जबरील है तुम में से का अगर कोई तुम आप कह दें कि जो जबरील का दुश्मन होगा ना फिर अल्लाह पाक फिर आगे बयान कर रहा है कि देखो कितनी बढ़िया हैं ये कि फ़िन हो बेशक वो फाइन न हो पस इन्ना बेश हो वो कौन फरिश्ता वो जबरील फ़िन हो हो नज्जला यो यू नज्ज उतारना ये कई जगह पड़ चुके हैं कि जिसने हु।, हु अगला हु का क्या मतलब है कि ये कलाम कुरान कि जिसने ये उतारा है अला कल का अला कल्बे का आपके दिल पर आपके दिल पर इस कुरान को इसने उतारा है जबरील ने बेज़न ला अल्ला के इज़न से अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से ये कुरान नाजिल किया है अब जबरील से दुश्मनी की क्या ज़रूरत यह तो दुश्मनी अल्लाह से हो गई कि अल्लाह ने उतारा है ना जबरील ने तो नहीं कहा ये तो अल्लाह के हुक्म से उनके पास आए ये कलाम तो उस पर उतारा है तो तुम उसकी दुश्मनी कर रहे हो ये एक दलील है कि अल्लाह के हुक्म से जो आ रहा है तो तुम दुश्मनी जबरील से नहीं कर रहे हो अल्लाह से कर रहे हो तो फिर दूसरे दूसरी बात भी आगे की है कि एक तो ये अल्लाह के हुक्म से उनके पास आया कि है ये कलाम जो नाजल हो रहा है जिसकी दूसरी शिफ्ट है मुसद्दन ये पहले पिछली दफ़ा भी हमने किया है मुसद्द को तस्दीक करना सच्चा मानना मुसदन ये मुसद है सच्चा मानने वाला है तस्दीक करने वाला है लिमा उस चीज़ की बीना जदये जो उनके हाथों में यानी उससे पहले जो आए हुआ कुरान पाक से पहले जो कलाम आए हुए ज़बूर और तौरात जो पहले कलाम आए हुए उसको उसकी तस्दीक करने वाला ये कलाम है तो उस कलाम की वजह से जबरील से तुम दुश्मनी करते हो ये दूसरी रीज़न भी बताइए अल्लाह पाक ने वुदन और वह हदायत है ये जो कलाम आ रहे हैं हदायत है कि जो इस जो इस्लाम में इस्लाम तो आदम जो भी इन दीन हिंदा इस्लाम चाहे वो यहूदियत हो चाहे ईसाईत हो चाहे आदम आदमिल्लाम का दीन हो वो इस्लाम है इन दीन हिंदी इस्लाम तो इस्लाम की जो खराबियाँ वो पैदा कर चुके थे तौरात को जो ख़राब कर चुके थे जो बिदात पैदा कर चुके उनकी तस्सी के लिए उनके असलाह के लिए हद वो हदायत है इसको अल्लाह पाक ने ये कलाम हदायत के तौर पर नादल किया है वह बश और फिर बशारत भी है लिलमोमिन जो इस पर ईमान लाएँगे जो ईमान लाने वालों के लिए बशारत है तो तुम में से जो जबरीर का दुश्मन है तो वो क्या कर रहे हैं ये तो उसने तो नादल किया है आपके कल पर अल्लाह के हकम से और फिर तस्दीक भी कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हो तुम अगर इसको जुटला रहे हो तो, तो तौरात को जुटला रहे हो पिछली दफ़ा ये बात हुई थी इसका मतलब है कि तुम अपनी किताब को जुटला रहे हो कि जो ये कलाम तुम्हारी तौरा, तौरात की तस्दीक कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों की तस्दीक करते हैं चंद बातों के अलावा अल्लाह को मानना तोहीद और रिसालत और जन्नत और आकरत और क़्यामत और दोजक ये सारी बातें तो वो मानते हैं तो सारी बातों की तस्दीक हो रही है और नबी का आना भी तस्दीक हो रहा है उनकी तौरात में ये बात मौजूद है तो ये फरमा रहे हैं कि एक तो ये बड़ी बड़ी अमाकत कर रहे हैं कि अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं और फिर तस्दीक करने वाली बात की तुम खुद उसको जुटला रहे हो और फिर हुदन और बश्रा जो चार बातें हैं इन चार बातों की बुनियाद पर तुम्हारी ये बहुत बड़ी हमाकत और कुफर है कुफर कहें हमाकत हमकतर सबसे बड़ी अमाकत है तो ये तो इस चीज़ को तुम जुट रहे हो आगे फिर अल्लाह पाक अपना आ, कमांड दे रहे हैं हुक्म दे रहे हैं कि मन काना अदुबल तुम में से मन जो कोई काना हो अदुबल अल्लाह का दुश्मन अल्लाह की दुश्मनी बयान होगी ना जो तुम में से अल्लाह का दुश्मन होगा वह मलाय का थे या फरिश्तों का दुश्मन होगा मलक की जमा है मलक फरिश्ता को मीम ला, लाम नाम के ऊपर जबर मलक मलिक जो होता है वो बादशाह होता है और मलक लाम के ऊपर जबर हो तो वो फरिश्ता होता है तो तो मलाइकते ही Ända, उसकी जमाय मलाइका मलक की जमें और उसके फरिश्तों अल्लाह का दुश्मन हो और मलाइका का दुश्मन हो व रसोले ही रसूल की जमा रसूल है रसूल ही उसके रसूल यानी अल्लाह के रसूल व व वमी व वजबरीला व कला और जिब्रील का दुश्मन हो और मीकाल का दुश्मन हो मिकाइल हम मिकाइल उर्दू में बोल देते हैं मिकाल लफी कुरान में मिकाई मिकाल के तौर पर लिखा हुआ है मिकाल या मिकाइल दोनों ठीक हैं जिब्रीला व कला कि जो जो दुश्मन व जबरील का मी कला फ़िनल्ला तो अल्लाह अदबालका फ़रीन तो ऐसा इनकार ये जो काम कर रहे हैं यह कुफ़र कर रहे हैं ये दुश्मनी जो जबरील से कर रहे हैं ये कुफर है और फिर जो ये काम करेगा मलाया से रसूलों से और जबरील और मीका अच्छा जबरील और मिकाल भी तो फरिश्ते हैं तो पहले फरिश्तों का जिक्र हो गया अदबाल व मलायक वरुसों लगी फरिश्तों का जिक्र होगा व मी क जबरीला वमी कॉ इनका अगर दुश्मनी करेगा ये अलग से मेंशन किया है ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको क्या कहते हैं कि आम लोगों में किसी को खसूस तौर पर करें कि ये खास तौर पर ये बात किसी आप सारे लोग आए आप सारे बात सुन लें लेकिन खास पर तौर पर आप सुन लें खास पर तौर ये अरबी में इसकी एक बड़ी अच्छी पड़ी थी मैंने ये ख़ास को बयान आम को बयान करती हुई खसूसी तौर पर कुछ लोगों को बयान करना ये उसलूब अरबी में भी, में भी, भी है उर्दू में बयान भी करते हैं ना कि खसूसी तौर पर इन लोगों के लिए तो खूसी तौर पर इन जबरील का और मिकाल का जिक्र कर दिया जबरील और मिकाल के साथ ये ज़रा फ़र्क भी था ना जबरील को वो दोस्त दुश्मन गर्दानते थे और उसको दुश्मन गर्दा एक को दोस्त और एक को दुश्मन फ़ैन ला अदबकाफ़रीन तो बेश अल्लाह फिर ऐसे काफ़रों का तो अल्ला भी दुश्मन तो फिर अल्लाह की दुश्मनी फिर यहूद को समझ आ आन जानी चाहिए ठीक है अल्लाह की दुश्मनी का मतलब फिर क्या होता है जैसे हम वो सूद के लिए जो आयत आती है ना उसको तो कहते हैं कि सूद के जो फिर अगर इसको छोड़ेगा नहीं तो फिर वो अल्लाह के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए तो फिर जिसको अल्लाह के एहसास हो पता हो ईमान द्रोत हो तो फिर उसका अंदर से दिल दहल जाना चाहिए ना कि अल्लाह के साथ जंग कर रहा हूँ तो फिर उसका नतीजा क्या होता है तो ये जब उनको पता होगा अल्लाह की दुश्मनी जब अल्लाह हमारा दुश्मन हो जाएगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी सही अदबुल्ल का अल्लाह दुश्मन है वलकद और वाओ लकद लाम भी तय किस वाला तकीद वाला और कद भी ताक़ वाला कि बहुत ज़्यादा तकीद करके और यकीनन हमने अनजलना हमने उतारा ऊपर तो तो वो नजलना नजला हुआ लफज इस्तेमाल हुआ ये अन जला भी दोनों का मतलब उतारा कि लेकिन नजला जब उतारने का जिक्र हो तो वो तदरीज के साथ तरतीब के साथ उतारने को नजला कहते हैं अन उतारना उसने उतारा नजला का उतारना जब हो तो वह तरतीब और तदरीज के साथ जो उतरता है उसको नजला बोलते हैं दोनों का मतलब उतारना होता है नजला का मतलब होता है उतरना नजला हो तो फिर तो वाला कद अनना बेशक यकीनन हमने उतारा अनजला अनजल ना हमने उतारा अला का आपकी तरफ अला और का आपकी तरफ अला आयातिन बातिन क्या उतारा है आयातिन आयत की जमा आयत निशानी को कहते हैं बयनातिन दलील को कहते हैं बैना पिछली दफा मेरा खबर जिक्र आया बना दलील बैनात तो उसकी जमा है आयत की जमा आयात और बैना की जमा बैनात आयातिन बना रोशन दलील वाली आयतें आ गई हैं तो ये अल्लाह की ये कुरान की जो आयतें हैं अगर इनको आयतें निशानियाँ माना जाए ये ऐसी दलील है तो वो उस वक्त का अरब सारा मज़ूर था इसका जवाब देने से जो इसका चैलेंज है कुरान पाक ने पीछे आपने पढ़ के आया ना कि अगर एक आयत लेके आ जाओ एक सूरत लेके आ जाओ तो ये चैलेंज तो बरकरार था उस वक्त भी चैलेंज था और आज भी इसने मदूर कर दिया कि ये दलील है ना इतनी मजबूत दलील है कि इसके ब, ब, तो ये मज़बूत दलीलों वाली आयतें हमने आपकी तरफ़ भेज दी हैं व माँ यक और व माँ मा ये माँ का माँ नाफ़िया के नहीं यक फ्र काफराक फ्रोकफ़्र करता है इनकार करता नहीं कोई को इनकार करता बेहा बेह का मतलब साथ इसके किसके आयत आयात के ही आयात के लिए हा का मुनस का सीधा इस्तेमाल होता आयत मोनस है आयात भी मुनस है वैसे आयात तो जमा मुकसर है जमा मुकसर तो हमेशा वायद मोनस के तौर पर इस्तेमाल होती है तो इसलिए बिहा बेहिनना नहीं कहा हुआ है ना आयात के लिए बेहना होता ना जमा होता तो तो ये बेह इसलिए है कि वो जमा मुकसर है जमा मुकसर के लिए चाहे मुजक्कर की क्यों ना जमा मुकसर हो तिल कर रो जैसे वो तीसरा पारा शुरू होता है तिल कर रसुल तिल का मोनस के लिए चीज़ इस्तेमाल भी है रसुल हालाँकि रसुल मुजक्कर की जमाए रसूलों की जमा तो ये बिहा के इन आयतों के साथ व माँ यकुरब्यान के साथ इनकार कोई नहीं करता कुफ़र नहीं करता अललफास्कून स्वाय फ़ास्क के फास्क का तर्जुमा उर्दू में करते हैं फासिक जो अल्लाह के हदूद को तोड़ने वाला उसको फासिक है उसको फाशिक कहते हैं इल लफाशून स्वाय फास्कों की तो हमने सलम को खिताब है कि यकीन हमने आप पर आयात बैनात रोशन दलीलों वाली आयात नाजिल की है और इनके साथ कोई कुफ़र नहीं करता वाह काफर ये फासकों के तो ये फ़ासकें अवकुल्लमा अवकुल्लमा आहदु आहदन अवकुल्लमा आ तो क्वेश्चन मार्क है वाह जो है ये वो वाह अतफ़ वाली है और क्या और तर, तर्जमा ये बनेगा क्या औरकल्लम का मतलब जब भी कुल्ला, मा, कुल्ला और माँ की जमा इसका मतलब बनता है अवकुल्लम तो क्या जब भी नफज इसका तर्जमा ये बनेगा अवकुल्लम तो क्या जब भी आहदू आहदन आहदू आहद उर्दू में लग, आहदा ये बाब बाबला में आहदू वादा करना आहद करना आहदू उन्होंने वो उन्होंने वादा किया और फिर जब भी उन्होंने वादा किया तर्जमा तो बन गया अला अवकुल्लम आहदू जब भी उन्होंने आदा वादा किया आहदन वादा ये अरबी का ये उसलूब है कि वर्ब के साथ उसका वो नाउन भी या मसदर भी इस्तेमाल हो जाता है उसके जैसे उसकी मशहूर वकम अल्ला मूसा मूसा के साथ अल्लाह ने कलम किया तकलीम कलाम किया वो कला तकलीम का मतलब कलाम है ये भी याद है उन्होंने वादा किया वादा उन्होंने आद किया आद ये अरबी का उसलूब है उसको जोर देने के लिए में भी उसके तो ये आदन दोनों का मतलब है कि जब भी कोई वादा कर लेते हैं वो नबाद हु फरीकुम मिन हम नबादा का मतलब है नबादा यान बिज़ो तोड़ना उसको पीछे फेंक देना उसका लफ्जी माना है फेंक देना तो वादे को फेंक देने का मतलब होता है वादे को तोड़ देना उसको अहमियत न देना नाबादा का ये मतलब उसको अहमियत ना देना या उसको तोड़ देना उसको फेंक देना नाबादा का मतलब होता है फेंक देना नाबादा हु।, हु।, हु का मतलब उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया किसने तोड़ा फरीक उम बिन हम उनमें से एक फरीक ने फरीक का तर्जमा उर्दू में हम जानते हैं फरीक ग्रोह को कहते हैं ग्रोह बड़ा हो बहुत ज्यादा लोगों का ग्रोह वो भी फरीक होता है चाहे छोटा हो थोड़े लोग हों उनको भी फरीक कहते हैं बड़ा इसमें कोई तफरीक नहीं है कि थोड़े लोग हों तो वो फ्रीक होगा नहीं बड़ा ग्रोह भी फरीक हो सकता है आगे और अल्लाह पाक ने जो अगली बात की है तो क्या जब भी वो कोई आधा वादा कर लेते हैं तो उनमें से कोई ना कोई ग्रुप कोई ना कोई ग्रो उस वादे को तोड़ देता है आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं बल अक्सर बल बल का तर्जमा कहते हैं बल्कि असली बात तो यूँ है उसका तो मतलब ये बनता है बल बल्कि अक्सर बा, बात यह है कि अक्सर ला योम नून ये तो ग्रो है ना जो वादे को तोड़ रहा है अल्लाह कह रहे हैं अक्सर हम ला योम न उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते वादा तोड़ने वाला तो एक ग्रोह हो गया ना लेकिन ये बाकी यहूद जो, जो है इनमें से अक्सर तोड़ात को ठीक तरह ईमान नहीं ला रहे उसको में तब्दीलियाँ की हुई हैं या उसकी कई बातों को वो छुपा रहे हैं नबी का आने का जो इस नब आने का जो हुआ है उसको छुपा रहे हैं तो ईमान न लाना हुआ ना तो ये जो वादा जो तोड़ने वाली बात है वो तो ठीक है एक ग्रुप ने वादा तोड़ दिया और कुछ कुछ ने नहीं तोड़ा लेकिन अक्सर ऐसे हैं कि जो तौरात पर ठीक तरह ईमान नहीं लाते बल अक्सर उम लाइम व लम्मा और जब लम्मा का पहले भी तरजमाम नहीं और जब जा आ हम जा आ आना वो जा आ वो आया हम उनके पास हम जा जाम जब आया उनके पास कौन रसूल नंदिल्लाजूर सल्लम का जिक्र हो रहा है रसूल तर... तर... अल्लाह के पास से रसूल हिंद अल्लाह के पास से इंद मुसद ये वही लफज है वो तस्दीक करता है तस्दीक करने वाला है लिमा जो उनके पास है उनके पास क्या है तो रात है तो रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना कि ये अल्लाह की कलाम है तहरीफ अलग बात है लेकिन ओरिजिनली तो यह अल्लाह की तरफ से आई हुई है और उसकी बहुत सी बातों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक फ़रमाें तो जैसे पहले भी जिक्र किया तो तोद जन्नत दाद दो आखरत रसूलों का आना यह सिलसिला जो अल्लाह ने चलाया हुआ सारी तस्दीक करें तो रात में अगर मैं हुआ है उसकी वसल्लम तस्दीक कर रहे थे तो वो तस्दीक कर रहे थे तो इसमें भी अल्लाह आगे नबद फरीकुम मिनहुम नबदा तोड़ दिया फ़रीकुन एक फरीक ने उतुल किताब फरीक किस में से मिनल किताबा उतुल आ किताबाया देना उतुल किताबा क्या, क्या इसको कहते हैं वाइज कि जिनको किताब दी गई फरीको मिनल उतुल किताबा जिन लोगों को किताब दी गई उनमें से एक फरीक ने यह तोड़ दिया कि उतुल किताबा उसको फेंक दिया नबादा का मतलब तो होता है फेंक देना किताब लाए अल्लाह की किताब को किस चीज़ को फेंका ये उसका मफहल ये आ रहा है किताब लाए अल्लाह की किताब ये अल्लाह की किताब कौन सी है कुरान भमान ने इसको कुरान भी लिखा है कि कुरान लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि तौरात उन फेंक दिया वरा अपने पीछ, पीछ वरा का लफज पिछली दफा भी हमने पढ़ा है कि एक हद के बाहर जो पार चीज होगी उसको वरा कहते हैं आगे हो या पीछे हो तो वरा जहर कहते हैं पीठ को उसकी जमा है वराजुरैम अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया उन लोगों ने उसमें फरीक उनदीन किताबा जिनको किताब दी गई ये यहूद यहूद उनको किताब दी गई उन्होंने इस किताब को अपने पीठ पीछे फेंक दिया वराजुरैम कान्ना का कान्ना का, का मतलब होता है जैसा कि काफ अलिफ नून अन्ना अन्ना का, का मतलब जैसे के का अन्ना होम जैसे के वो हम होम का दर्जा तो आता है ला यालमून वो नहीं कुछ नहीं जानते वो जानते हैं ये इस किताब को भी जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से है रसूल को भी जानते हैं अल्लाह की तरफ से लेकिन ये वाली बातें वो पीठ पीछे फेंक रहे हैं तौरात को तौरात में ये बातें मौजूद हैं उसको पीठ पीछे फेंक रहे हैं। और अगर कलाम इस कलाम को नहीं मार रहे तो ये मतलब ये किताब किताबल्ला से मतलब अगर कुरान हो तो किताबुल्ला को नहीं मान रहे वो उसको पीठ पीछे फेंक रहे हैं लेकिन यहाँ चूंकि उनकी अपनी किताब को वो अपने पीठे उनके अहकाम को नहीं मान रहे कान हम ला आलम जैसे कि वो नहीं जानते ये इसमें एम्प्लाइड है कि वो जानते हैं और वो इसलिए वो और जगह पे जिक्र हुआ है ना कि वो जानते हैं उन्हें पता है ये बात कान हम ला आलम जैसे कि वो बिल्कुल नहीं जानते और ये ये तो दुश्मनी जो जबरील के साथ अल्लाह के साथ या नबी अलैहिस्सलाम के साथ या इस किताब के साथ जो उनकी दुश्मनी का जो सिलसिला था उसको अल्लाह पाक ने बयान किया आगे एक और उनकी एक बहुत बड़ी खबासत कहें या खराबी कहें जो उनमें कि वो आगे जिक्र कर रहे हैं को व तऊ मा ततलुशया व उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इतबा य तब उसका रूट लेटर थे व उन्होंने इतबा की किसकी इतवा की मा ततलु, ततलु तलायतलु हम पढ़ते रहते हैं तिलावत उसी से निकला हुआ है तिलावत करना तलायतलु का सही मतलब तो यही होता है कि फॉलो करना इसलिए ये जो तलावत का सिर्फ माना हमने इसको सिर्फ पढ़ना रख लिया है ये बहुत मुनासिब नहीं है तलावत बनता है अल्लाह के कलाम को पढ़ना को तलावत कहती है बिल्कुल लेकिन इसका सही माना तला का मतलब होता है उसको पैरवी करना उन्होंने पैरवी करना यहाँ भी लफ्ज आ है पैरवी पैरवी करना तलायतुलू का ये मतलब होता है सिर्फ़ पढ़ने को भी तिलावत कह देते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ने को किरत कहें उसके लिए अकरा या करत का लफज इस्तेमाल होता है तलायतु तो, तो व तब मातल्श यातिनों जो पढ़ते हैं तिलावत करते हैं अगर ही लफ्ज़ कहें तो हम अगर जो पढ़ते हैं अशयातीन शैतान जो कुछ पढ़ते हैं अला मुल्क सुलेमान मुल्क सुलेमान पर अब सिर्फ तजमा अगर हम करें तो ये बनता है कि वह उन्होंने पैरवी करने लगे वो पैरवी की उन्होंने उस चीज़ की जो पढ़ते हैं शैतान मुल्के सुमान पर ये तो लफ्जी तर्जमा किया लेकिन तला के साथ तला तलायतलु के साथ अगर अला का प्रपोजिशन इस्तेमाल होना तो उसका मतलब होता है कि ये बात बनाते हैं ये बात या इल्ज़ाम देते हैं मुल्क सुलेमान को ये देखें ना ततलु अलामुल सुलेमान शैतान को दरमियान में छोड़ दे शैतान तो फ़ायल है ना दरमियान में ततलु अलामूल सलेमान ये पढ़ते हैं मुल्क सुमान पर अला का आ गया, इसका तर्जमा होगा ये मुल्क सलेमान पर मनसूब करते हैं ये शैतान जो, शैतान जो पढ़ते थे मुल्क सलेमान में उसकी सलमान की बादशाह की तरफ, की की तरफ मनसूब करते हैं ये जिक्र क्या आने लगे आगे आ जाएगा मुल्क सलमान -सल्म, के साथ ये मनसूब ये करते थे कि सलमान के साथ जादू की बड़ी ताकतें थीं वो तावीज़ गंडे या जादू या जो जो तरीके थे उनके शैतान जो उनको सिखाते रहते थे ये वो अल्फाज अदा कर रहे हैं कि ये शैतान का कहा हुआ जो इनको सिखाया हुआ है ये वो बयान कर रहे हैं अदर सलमान की हकूत के ज़िम्मे लगा रहे हैं अदरसलमान जिम्मे लगा रहे हैं यहाँ लफल अकूमत के ज़िम्मे कहा हुआ है कि मुल्क सलमान का लिखा हुआ है लेकिन आगे पता चलता है कि किदरसलमानसलाम को कहते हैं कि वो जादू के दौर से उनकी ये बड़ी बादशाह जो हकूमत जो थी उनके जादू के दौर पर थी उनको तो वो जादू हमारे पास है ये जो हमारे कहान या जादूगर लोग थे हमारे पास आगे जिक्र है उसका तो वत्ता उसने उस चीज़ की पैरवा की जो शैतान ने इनको सिखाया हुआ था शैतान जिनों वाले भी हो सकते हैं और मिनल जिन वाले वो दोनों से हो सकते हैं इंसानी शैतान या जन्ात वाले शैतान उन्होंने इनको सिखाया हुआ था कि सलमान के पास तो ये कलाम था ये जादू के टोटके थे ये अल्फाज थे यूं करोगे तो ये तरक्की होगी तो अगर तबाह हो रहे थे वो फिर उनके पीछे भागते थे कि हमें दोबारा वैसी सल्तनत वैसा मुल्क सलेमान जैसी हमें दोबारा नसीब हो तो वो उसको फॉलो कर रहे थे दूसरी बात आगे भी जिक्र आ रहा है दूसरी किस बात को फॉलो कर अल्लाह पाक ये बयान कर रहे हैं ये तो उन्होंने फॉलो किया अल्लाह पाक कह रहे हैं कि वमा कफरसलह सुलेमानो ये शहर जो है ये तो कुफर है आगे बयान होगा वो जो शहर का जो तरीका है वो थ्रियन कुफर है इसलिए हमारे उलमा से जादूगर को जादू करने वाले को ए, ए, कुफर में शुमार करते हैं जादू करने को कुफर में शुमार करते हैं अल्लाह पाक भी यहाँ बयान वमा काफरस सुलेमानो ये काम जो हजरत सलमान के ज़िम्मे लगा रहे हैं तला यतलू के साथ अला वाला उनके जिम्मे लगा रहे हैं वा का ये उन्होंने बिल्कुल नहीं किया ये शेर वाला काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया वला किन नशियाती न काफर ये कुफर का काम ये शैतान है चाहे जिनों में से है या इंसानों में से है ये कुफर वाला काम यानी जादू वाला काम इन्होंने किया वला किन लेकिन बल्कि अशियाती न कफर वला किन नशियाती न शैतानों ने ये कुफर किया ये शेर वाला या जादू वाला आगे लिखा हुआ ना यूमोन शहर यूमौन आलमा मैंने जाना उसने जाना आलिमा युमों का मतलब होता है कि सिखाना आलिमा जान लेना और उसका यूमो वो सिखाते वो सिखाते, मतलब वो सिखाते हैं क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि यूलमासा वो सिखाते हैं लोगों को जो अमुन वो सारे सिखाते हैं कौन ये शयातिन नासा असहर सेहर सिखाते से हैं तो ये वाला जादू सिखाने वाला काम जो है ये इन शयातिनों ने किया है ये कुफ़्र का काम जो तो है जिसको अल्लाह पाक ने कुफ्र कहा है ये काम सलमानसम ने नहीं किया ये उन शयातिन ने किया है इन जनों ने किया यह शैत शैतान जे इंसानी जन्नों ने किया है और ये उसकी पैरवी कर रहे हैं ये उसको नहीं किया सलमान ने यह कुफ्र नहीं किया आगे है, वमा अल सिर्फ उतारी 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 मलक मलक की जमा मलक का तस्निया मलक अभी हमने कहा मलक फरिश्ते कहते हैं मलकैन दो फरिश्तों को कहेंगे उनका नाम भी अल्लाह पाक ने बेबाब बा, बेबाबिला कि बाबल में वो बिलियो या इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं बाबल की बड़ी सल्तनत थी बड़ी उसका उसमें जादू का बड़ा डंका बजता था वहाँ बड़े बड़े जादूगर और उसके बड़े कमालात दिखाने वाले जी 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 के में कुछ जादूगर था वो जादूगर था क्या और देञी 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 हाँ हाँ ये तो हाँ वो निकाली ये, निकाल ये है अस, असली इस असली जोर ये था यही ये, ये बात है वह जदा कर जदा कर ऐसे ही लेकिन आज भी नक्शे की सलाह सुनने को मिली हाँ हाँ ये बात बिल्कुल मुसलमान हाँ जारी ऐसे ही है ना वो मत ऐसा असर है कि ये नक्शे सी भी कहा जाता है सलमानी टोपी जादू जादू के हिसाब से जलमानी टोपी और सलमान की अंगूठी का जिक्र मुसलमानों में भी होता है जब जादू जादू का जिक्र होना तो इन चीज़ों का जिक्र होता है यानी मुसलमानों में भी अदरसलमान के साथ मनसूब किया हुआ तलायतलू ये इस्तेमाल होना है तो ये बातें अदरसलमान के साथ मनसूब की जाए उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो ये बात ज़रूर तो और ये मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा था व माँ उन जिला और जो कुछ उतारा गया अलमलक है इन्हें दो फरिश्तों पर बेबाबिला बादिल में हारूत व मारूत उन फरिश्तों के नाम हारूत मारूत है ये वमाँ का क्या मतलब है और जो कुछ और जो कुछ ये और क्यों आया है असल में ये ऊपर है व तबाउ मा ततुल उन्होंने तबाह की जो शैतान ने पढ़ा या जो उन्होंने बताया और जो कुछ नादल किया ये वाउस के लिए आतफ वहाँ पे टच हो रहा है कि ये उप, उन्होंने किसकी की इतबा की वत तबाह मातुलशियाँ जो कुछ अब हम पढ़ के हैं कि जो शैतान जो उनको पढ़ा रहे थे उसकी इतबा की और जो इन फरिश्तों पर नाजल हुआ था उसकी इतबा की ये बत इसका ये बाऊ यहाँ पे इसलिए है वमा उन जिला मलकैन और उस चीज़ की इतबा अब इतबा का लफ्ज़ जानी है वो ऊपर बद त वो आगे अतफ ये उसके साथ जारी रहेगी कि वमा उन जिला मलकैन और उस चीज़ की और इतबा की उस चीज़ की जो उन दो फरिश्तों पर बाबल में हारुत व मारूत पर नाजल किया गया था और हारुत व मारूत का किस्से कहानियाँ तो बहुत हैं मुख्तर तरीन बात यह है कि बाबल में क्योंकि जादू का इस बाब बबल की उस सल्तनत में जादूगर बहुत ज़्यादा थे और जादू जो अपने जादू दिखाते थे नबी आते थे तो वो तो मौज दिखाने वाले होते हैं जादूगर अपने जादू दिखाने वाले होते हैं नबी अपने मौजाद दिखा कर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जादू भी अपने जादू के दौर से लोगों को उनका जहन तो असर करता है दोनों को अट्रैक्ट करते हैं तो इस जादू की हकीकत को वादे करने के लिए अल्लाह पाक ने ये दो फ़रिश्ते भेजे उस बाबल में जो इस जादू को पूरी तौर पर वादे करेंगे लोगों को ताकि वो इस अल्लाह पाक वैसे भेजता तो नबी ऐसे काम के लिए लेकिन नबी का काम हदायत की हदायत उस तरह हदायत को आम करना जादू का तरीक़ा जो है वो शैतान को जिनों को शयातीन को साथ लेकर चलने वाला एक निज़ाम है तो नबी वो निज़ाम नहीं कर सकता वो जादू वाला निज़ाम नबी नहीं कर सकता इसलिए व मा का फ़रतमान ज़िक्र आ गया ना तो नबियों तो फरिश्तों की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई कि इन जादू की हकीकत वादे करने के लिए ये हारूत व मारूत को अल्लाह पाक ने उनको भेजा और उन वो फिर सिखाते थे लोगों को कि ये चीज़ ग़लत है इसका नुकसान है आगे रहा है उसका नुकसान है तो ये जो शोबाबादियाँ हैं जादू को कहें जादू कई किस्म का होता है उसकी तफसमा ने लिखी है किताबों में पढ़ी थी लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है शायद बस इतना समझ कि जादू के बहुत से तरीके हैं उनमें शोदाबादी भी हैं नज़रबंदी भी है और कुछ असरात भी हैं जिनों को साथ लेकर शैतानों से काम करवा के ये जादू के काम होते हैं और वो बहुत गंदे लोग होते हैं और अल्लाह को ब -ब 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 कहते हैं ना कि अल्लाह की मदद साथ लेनी हो तो अच्छे काम किए जाते हैं सुबहान अल्लाह खुशबू लगाई जाती है गसल किया जाता है फ़रिश्तों की मदद ली जाती है इस तरह होता है और ये जादू तो चूँकि शैतान की मदद लेनी होती है वो गंदे होते हैं ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जिस पे शैतान खुश हो ऐसे अमल करवाते हैं जिस पे शैतान खुश हो और उस तरह जो ज़्यादा महर जादूगर होते हैं वो ज़्यादा ख़राब हालत में अपरेंटली उनकी हालत बहुत बुरी होती है गंदे होते हैं और लेकर चलती है उसको तो ये ये, ये सारी हकीकत वाजे करने के लिए अल्लाह पाक ने बाबल में ये दो फरिश्ते हारूत और मारूत भेजे थे कि ताकि वो लोगों को इस शहर की और जादू की हकीकत वाजे करें आगे क्या बयान है व माउन जिला व माउन जिला मल्क बाबिला हारुत मारुत इन्होंने इतबा की उस चीज़ की जो हारुत व मारूत पर वार नाजल हु वो क्या था वो जादू वो जो शायद उनमें जो जमीन में दबा हुआ खजाना था वो भी शायद उसमें से हिस्सा होगा वमायूँ माँ ने वो वो क्या जादू से खाते थे हाँ सिखाते भी थे ऐसे वमायूँ माने और वो नहीं सिखा यूमो यूलमो सिखाना वो जो ऊपर लफज आ गया ना यूल ना वो ना, ना लोगों को सिखाते वमायूँ माने वो दोनों यूल माँ ने तसनिया का सिखा ममायऊ वो दोनों नहीं सिखाते थे, थे मिन अदिन उनमें से किसी एक को भी हता यहाँ तक के जादू सीखते थे उनसे लोग वो जादू वादे तो करते थे और लोग उनसे सीखते भी थे वो उनको कहते थे कि ये ये लफ्ज़ हमें भी बता दें कि फिर हम इनसे परहेज़ करें उनको फरिश्तों को वो लोग कहते ये थे कि हमें ये जादू के ये जो अलफाज हैं या जो तरीक़ा है हमें सिखा दें ताकि हम इससे बच कर लें मकसद उनका ये होता था लेकिन वो तो फिर वो उनको कहते थे कि वह माऊ माने मनादिन वो किसी को नहीं सिखाते थे हता यहाँ तक के यकूला यकूला कला यकूल ने ये यक़ूला दोनों कहें यकूला जब वो जब तक वो दोनों न कह दें इमा बेशक हम इनमा इसके अलावा कुछ नहीं है इसका तर्जमा ये होता है न कि बस यही बात है कि इन नमा नो हम फित हम आजमाइश हैं ये जो जा जादू जो हम बता रहे हैं ये तो आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश साबित होगी जादू किसी को सिखाया जाएगा तो मैंने इरादा किया कि ये जादू मैं सीखूंगा ताकि मैं आइंदा इससे बच के रहूं या इसके नुकसान से बच के रहूं तो मेरी नफसियात ऐसी है कि उस जादू को मैं इस्तेमाल करके फिर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करने लग जाऊं तो फितना तो हो गया ना उसका सीखना भी फितना हो गया ना तो वो कहते थे कि हम फितना हैं हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी फितना आजमाइश को कहते हैं फितना का मतलब होता है आजमाइश ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है फ़ला तक फुर तो ये काम करके कुफर नहीं इख्तियार फला तक फुर तुम हर किस कुफर नहीं करो तक फला तक फुर तुम कुफर मत करो तो हम फितना है ये जादू सीख कर अगर इस पर अमल करोगे तुम तो तुम कुफर में मुबतला हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा फितना है सिखा देते थे लेकिन उनको वार्न करते थे कि ये काम नहीं करना जब वो वादा करते थे काम नहीं करें वो सिखाते थे वो सिखा भी देते थे फ़ैतालमून फिर बैत वयत... ये एक और लफ्ज आ गया फ़ैतः पहले क्या आया था युमूना वो सिखाते थे, थे उनको और दूसरा यह है कि माँ यूने ये दोनों सिखाने के माने में है यतामूना तुम का लफ्ज़ क्या होता है तालम का मतलब होता है सीखना ये नया लफ्ज़ आ गया ना तुम ताल्लम का मतलब है सीखा फ़ैतमून पस वो सीखते थे यमूना तालम ता सीखने को कहते हैं वो सीखते थे सिखाना आमा वो पहले हमने पढ़ा है वो सिखाना है तालमय यम जब होगा तो वो सीखना होगा फ़ैयतः पस वो सीखते थे मिन हम उन दोनों से मिन हम हुमा उन दोनों से माँ क्या सीख क्या रहते जादू में से जादू तो कई तरह के होते हैं ना वो ये खास वाला जादू अल्लाह पाक ने मेंशन किया है और ये बहुत बड़ा बड़ी बात है उस जादू के उस सिनेरियो से, में कि मिन हुमा उन दोनों से वो सीखते क्या थे ज्यादातर लोग क्या सीखते थे मिन हुमा उसे मा यु फर्रिकू न बिही बैनल मर जो कुछ यु फर्रका युफर्रको क्या मतलब तफरीक डालना जुदाई डालना फिराक उर्दू में फिराक इस्तेमाल होता है ना तफरीक कर देना जुदा कर देना युफर्रकू ना वो जुदा करते थे बेहि इसके साथ बैन मर ए वे एक मर्द और उसकी औरत के दरम्यान तफरीक पैदा करने वाला जादू सीखते थे अब ये ये जादू होता है ना मियाँ बीवी को आपस में लड़ा दो या किसी ये जादू बहुत कामन ये बड़े बड़े जो इश्तार जादुओं के आते हैं ना ये महबूब आप के कदमों में हैं अब भी अब भी यही होता है कि जादू का ये वाला एलिमेंट जो है ना उस वक्त भी था कि महबूब आप के कदमों वाला भी काम करते थे और कोई औरत पसंद हुई है तो उसको आपस में तफरीक करके भी हासिल करते थे ये माशरे की कितनी गिरी हुई ये सूरत हाल ये थी ये जो घर की एकाई है ना घर की एकाई के मियाँ बीवी का आपस में सलूक और घर का जो माशरा बन के रहना इस पर माशरा डिपेंड करता है वो मशहूर अदी सुनी हुई है ना उदू का फरमान है कि शैतान अपने लोगों को जब बेचता है ना कि तो आज तुमने क्या किया तो तुमने क्या किया तो तुमने क्या किया तो सारे शैतान बताते हैं आज मैंने ये काम करवाया है आज मैंने ये काम करवाया है तो जो आदमी जो उसको आके कहते हैं ना कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान तफरी किया तो उसको वो शबाश देता है ये इतना बड़ा खराबी है शैतान का सबसे बड़ी बड़ी ख्वाहिश यह होती है कि फैमिली टूट जाए कि इससे माशरा टूट जाता है ये गंदगी जब माशरे में फैली हो के आर, हर हर आदमी दूसरे दु, लड़कियों को शहर करके अपनी तरफ करे या दूसरे के घर में उसकी बीवी भी पसंद आई हो तो उसको तोड़ के तो इससे बुराई और बड़ा ख़राबी और माशरे में क्या होगी माशरा कैसे मैं, किस हालत में चला जाएगा तो ये वो वाला जादू सीखते थे और ये जादू अब भी है हमारे आप भी बाबे लगे हुए हैं ऐसे जादू कर और ऐसे काम चल रहे हैं तो वो ये सीखते ही थे फ़ैतामूना वो सीखते थे मिन हम उन दोनों से माँ यो कून जो फ़र्क डालता था इसके ज़रिए थे बैन अल्मर वजाऊजे एक मर्द और उसकी बीवी के व माह हम अब आगे अल्लाह पाक बयान फरमाने के व माँ हम और नहीं वो बेज़ना रीना ज़र्र बिदौर जो ज़ुर्र जर्र उर्दू में इस्तेमाल होता है दुआ से नुकसान अल्लाह का अल्लाह पाक का एक नाम है ना ज़ौर अल्लाह नुकसान पहुँचने वाला भी अल्लाह फ़ायदा देने वाला भी अल्लाह है और नुक़सान देने वाला भी अल्लाह है ज़ौर अल्लाह पाक का एक नाम है सिफ़ाती नाम है वमा बेजार उसी जार की जमा है ना बेजार दौर, ज़ारिन बे जब लगता है तो ममाउ बेज़ारिन ज़रा भी नुकसान पहुँचाने पहले भी हमने बिकाफरी है पहले जिक्र किया था वह माहम बेजार रीना वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाने वाले बेही इसके साथ मिन अहादिन किसी को भी इल्ला बेजन स्वाय अल्ला के हुक्म के इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो को खानदानों को तोड़ने वाला जो मामला हो रहा है ठीक है अल्लाह पाक ने चीजों में असरात रखे हैं लेकिन होगा वो जो अल्लाह चाहेगा ये अल्लाह पाक ये बयान कर रहे हैं कि वो किसी को कोई नुकसान जोगा अल्लाह की मुशीयत उसमें जिसको मुशीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बेज़न अल्लाह अला की मुशीयत के साथ ही किसी को नुकसान हो सकता है वरना वो किसी चीज़ से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो ये अल्लाह की तो ये अल्लाह की मशीत होती है ना फिर जब किसी को किसी से नुकसान होता है तो उसमें अल्लाह की मशीत शामिल हो जाती है मतलब एक सबब से एक काम होना होता है अल्लाह पाक वो ना चाहे तो उस सबब और उसके दरमियान में रुकावट डाल देता है ये अल्लाह की मशियत आ गई या होना हो तो उस रुकावट को नहीं आने देता तो अल्लाह जो नुकसान भी होगा तो अल्लाह की मशीत ही होगा वही थामून लफज वही है और वो सीखते थे मा य जो उनको नुकसान देने वाली चीज़ें होती फरिश्तों से क्या सीख रहे थे नुकसान देने वाल नफ़ा यदुर्रम उनको नुकसान देती हैं व यनफाव उनको फ़ायदा देती हैं दे। तो वो जो उनको सीख रहे थे जो कुछ वो लोग सीख रहे थे फरिश्तों से नुकसान देने वाली चीज़ें सीख रहे थे फ़ायदा देने वाली चीज़ें नहीं सीख या जो जो भी चीज़ सीख रहे थे वो नुकसान ही दे रही थी इसका ज़्यादा मतलब तो ये वादे तो ये हो ना कि अगर उन्होंने जादू अच्छे नीयत से भी सीखा होगा ना नुकसान उनको दे रहा होगा वो नुक़सान नहीं दे रहा था ठीक है वरुम वाल आलिम वालकद और यकीन तहकी के साथ आलम उन्होंने जान चुके थे उन्होंने समझ आ गई थी लमन इशतरा हो मन जिसने इश्तरा ख़रीद लिया मालहू मालहू फ़िल आख़िरत में खलाक उसके लिए माँ नहीं है लहू उसके लिए ये माल नहीं है माँ और लहू अलग अलग लफ्ज़ है माँ लहू वैसे तो माल लहू माल लहू एक लफ्ज़ बन जाते हैं माल माल नहीं है इस तरह माँ क्या खरीद लिया माल मा लहू नहीं है उसके लिए फिर आखिरत आखरत आखिरत में मिन खलाक कुछ हिस्सा अच्छा हिस्सा क्या मतलब है कि ये जो उन्होंने जादू सीखा है और ये जो उन्होंने खरीदारी की है ये जो नुकसान वाला काम उन्होंने शुरू कर दिया है तो उन्होंने जो कुछ ख़रीद लिया है उनका आखरत में कोई हिस्सा नहीं है उनका माल मा फिल आखरत मिन खलाक आखरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं है खलाक अच्छे हिस्से को कहते हैं उनमें आख़रत में कोई ऐसा नहीं है व लबेसा ये लफ्ज़ पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा है लबेसा ला, ला यक़ीन बेसा बहुत ही बुरा माश जो वो चीज़ जो उन्होंने बदले में बेच दिया बेही अनफाउम अपनी जानों को अपनी जानों को उन्होंने अपनी जानों को जो कुछ जिस काम के लिए जिस चीज़ के लिए अपनी जानों को उन्होंने बेच दिया है वो क्या ही बुरी चीज़ उन्होंने खरीदनी है लौकान या लमो काश ये जानते होते आखिरी आद हाँ भी पढ़ लेते हैं लौकान ये जालन काश ये जानते जिस तरजमा तो आता है ना लाओ लाओ काश के लफ मान में आता है लौक कानू काश कानू ये या मलून ये जानते होते व लौ अनना हम और अगर वो अन्ना हम बेशक वो आमनु ईमान लाते व तऊ और तकवा करते डर के रहते अल्लाह से ल मसूब तो उनमें ने अल्लाह के नजदीक इनका बदला होता बहुत अच्छा मसूबा कहते हैं साब स्वाब स्वाब ये लफ्ज़ स्वाब इसी से निकला हुआ है साबाओ साब इसका मतलब होता है कि बदला पाना सही इसका लफ्ज़ का मतलब है कि लौट के ठीक जगह लौट के आना सही मतलब इसका है कि ठीक जगह लौट के आना वो, वो खाना कहबा के मतलब मसाबत मसाबा का लफज आए ना मसाबत नाथ लौट के आने की जगह लौट के तो या जमाओ की जगह वहाँ तर जमा ये करते थे जमाओ लेकिन साथ वॉब ये कपड़ों को भी शौब कहते हैं ना ये भी इसलिए शौब इसको कहते हैं कि काटन अच्छा मसाबा के मसूबा या मसाबा उसको कहेंगे जहाँ पे लौटने की जगह हो ठीक जगह हो या पसंदीदा जगह हो ख्वाहिश वाली जगह हो हमारी टारगेटेड जगह हो तो इस सौब को सौब इसलिए कहते हैं कि कार्टन को कन्वर्ट किया इस टारगेट में इसलिए इसको सौब कहते हैं ना इसलिए लौट काटन लौट के आई है इस चीज़ की तरफ हम ये बनाना चाहते हैं इसलिए सब कहते हैं तो मसूबता बहुत सवाब का लफ अमल का वो हिस्सा जो बहुत काम आने वाला मसूबता अमल का अच्छा हिस्सा तो मसूबा में नंद तो इनको इसका बहुत अच्छा बदला पाते इस जमात का ये होगा मसूबा मेंंदिल्ला खैरुन बहुत ही अच्छा बदला होता लानु काश के ये जानते होते तो ये यहूद का ये दो बातें ये एक तो दुश्मनी जबरील और अल्लाह और मलाइका और रसूल और कुरान से जो दुश्मनी थी उसको इसको अल्लाह पाक ने बयान किया है और जादू को ज़रा सा बयान किया है ये जादू को तफसी तोल ने तो मफसी तो नेतनी इतनी लंबी बहुत और आरूत और मारूत के मतलब भी बहुत ख़राब खराब किसे भी मशहूर किए हैं कि वो एक ज़ोरा नामी रका के पीछे उनको कुएं में लटका दिया सारी गापें अदीस में, बात में से ऐसी बात अब थे ऐसी बात साबित नहीं है लेकिन जादू की जो हकीकत तो उन्होंने बयान किया ना कि ये वो असल बात जादू शयातीन को इस्तेमाल करने का तरीका और शयातीन को राजी करने के तरीके वही होते हैं जो अल्लाह की नफरमानी वाले होते हैं और अल्लाह के नफरमानी ही कुफर है इसलिए जादू को फर कहा और जो शयातीन को राज़ी करने के तरीके फिर लोग क्या कर देखें ना किसी को कत्ल करके उसका दिल निकाल के लाओ तो मैं जादू करूंगी ऐसे होता है ना या बकरे का दिल निकाल के लाओ या ये गंदा काम हैज में होगी औरत तो जादू करेगी उसका जादू ज्यादा अच्छा करेगा करे ये ए, इद्दत के अंदर निकाह का ये भी रोक इद्दत के अंदर निकाह को शैतान को साथ लेने का एक जरिए यह भी एक गंदा काम है ना तो उसको तो, तो अगर जादू का काम अगर अगर ऐसा है तो इधर के वो कहते हैं कि यूँ यूँ है यू, अल्लाह यू, अल्लाह माफ़ करे लेकिन जादू यही है कि शैतान को साथ लेकर अपने काम कराने का जो तरीका है वो जादू है ये अल्लाह ने उसको समझाने के लिए उसकी चीज़ वादे करने के लिए अल्लाह पाक ने तो इसलिए तो फरिश्तों को बेचाना हाँ उन्होंने हम फितना वो डिस्कलेम करते तो थे हम, थे, हम फितना है आजमाश ये ऐसे ही है कि आ, उस, उस जो उन लोगों को एग्जैक्ट जो ख़राब लोग थे उनकी ख़राबी वादे करने के लिए उनको ये ये फरिश्तों को अल्लाह पाक ने मबूस फरमाया था और उनसे ये काम करवाया था अल्लाह के हुक्म थे कर और ऐसे भी है कि वैसे तो जादू तो फरिश्तों के बिल्ली ख़राब होना चाहिए लेकिन अल्लाह का हुक्म फ़रिश्ते जिस काम पे लगे हुए हैं अल्लाह पाक जिस काम पे लगा दें दुनिया में तो ख़राब काम भी हैं फरिश्तों को ऐसे काम पे भी लगाए हुए अल्लाह पाक ने मिसाल के तौर पर किजदहाओं एव... को बना रहे हैं फर... उसको सांपों को बना रहे हैं उनको फीड कर रहे हैं मिसाल के तौर पर तो ये तो अपरेंटली तो गलत काम है लेकिन अल्लाह की मुशीत दुनिया अल्लाह पा ने चलानी है तो फरिश्तों के साथ भी वो काम करवा रहा है तो ये काम तो अल्लाह पाक ने बात की। अच्छा एक और बात भी है सर इसमें ये बेबाब क्या बत्त बहू महातियामान ये मल, मलकैन इस्तेमाल हुए ना बाद जगहों पे ये मलकैन भी इस्तेमाल हुआ है ये कि मलकैन तो दो फरिश्तों की जमा होगी अगर लाम के नीचे ज़ेर लगाएं तो मलिकैन हो जाता है तो फिर वो इंसान हो जाते हैं ये भी किसी जगह ज़िक्र है कि वो कोई दो इंसान थे मलिकैन अगर ये तश्रिय मलिकैन के पने तो वो दो कोई इंसान थे वो बदचा थे तो वो जादू में बहुत मजा थे ये ये लेकिन ज़्यादा हमारे मलकैन इसको फरिश्ते ही माना